सोलन के निजी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में 11 राज्यों से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन में आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा और इस दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ी राज्यों पर होने वाले असर के बारे में चिंतन किया जाएगा। इस मौके पर आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जलवायु परिवर्तन का हिमाचल में असर दिखना आरंभ हो चुका है, जिसकी वजह से जहां एक और अधिक बारिश होने से जान माल का नुकसान हो रहा है, वहीं बादल फटने और समय से पहले ही बर्फ होने जैसी घटनाएं भी घट रही हैं, जो एक चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि इस जलवायु परिवर्तन को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए तथा जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय में विशेषज्ञ 3 दिनों तक चिंतन करेंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से विकृतियां आ रही हैं, जैसे अभी अभी 22 और 23 सितंबर को 5 फुट से ज़्यादा बर्फ जो है हमारे केलांग उदयपुर के क्षेत्र में पड़ी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बादल फटने की घटनाएं घट रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तबाही हो रही है। हमारे जो ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघल रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कहीं कोल्ड डिजर्ट की तरफ हम ना बढ़ें, उसी चिंतन बैठक में पूरे 11 राज्यों से आए हुए जो हमारे विद्वान हैं, मैं उन सब का जहां स्वागत करता हूं।